हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था। ये सीरीज स्टार्ट है, ये पार्ट नंबर 8 है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा है हमारे से, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड्स हाईएस्ट डैम, ठीक है, इनमें से कौन सा हाईएस्ट डैम है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो अब हम ऑप्शन आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया गया है गुरी, ठीक है, सेकंड आपको दिया गया है ऑप्शन ROGUN रोगन, सी आपको दिया गया है नूरेक, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर तहरी, ठीक है। अब आपको ये ऑप्शन बताना है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट आपको बतानी है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी वीडियो को इसको लाइक कर देना। 86 की अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन में ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट आपको बतानी है, और इसका आंसर है सहारा। इसका आंसर क्या है, सहारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, वो कंट्री बतानी है आपको जहाँ पर हाईएस्ट बार्ले का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हाईएस्ट किसका होता है, बार्ले का प्रोडक्शन। ये मैं बोल रहा हूँ, ये आप लिखते भी जाना, हाईएस्ट बार्ले का प्रोडक्शन कौन सी कंट्री में होता है। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा यहाँ पर रशिया। क्या हो जाएगा, रशिया में सबसे ज़्यादा बार्ले का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। मेटल बताना है हुज सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, जिसके सॉल्ट क्या होते हैं, लाइट से सेंसिटिव होते हैं। तो उसका आंसर क्या होने वाला है आपके पास, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं लाइट से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 88। अब क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन, ठीक है, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है आपके पास कुटक, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है फर्स्ट चेयरमैन बताना है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कौन थे, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था डॉक्टर जे एच जे बाबा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 91 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है ये आपको बताना है। ये इजी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हो, मुंबई में। ये कहाँ पर है, मुंबई में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 92 हमें बताना है, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स, वो डिवाइस जो एल्टीट्यूड मेजर करने के काम आती है उसका नाम क्या होता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है एल्टीमीटर। क्या नाम होता है, एल्टीमीटर, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 93 क्वेश्चन की तरफ, ब्लैक सोयल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, जो ब्लैक सोयल्स होते हैं वो कौन सी फसल के लिए यूज़ होती है मेन, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है किसके लिए होती है, कॉटन के लिए, आपको यहाँ पर याद रखना है कॉटन। ये 94, और इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन पूरे करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, इंडिया में है या नेपाल में है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये मैं ऑप्शन आपको देता हूँ, इंडिया या नेपाल, आपको ये कमेंट करना है, आपको ये कमेंट करके बताना है 94 का आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 95 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, सॉरी 90। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। तो क्वेश्चन नंबर आपको 95 बताया, विच सोयल इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, कौन सी सोयल सूटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, ये आपको बताना है। पीटी सोयल कौन सा होता है, पीटी सोयल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं 96 की, नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपको बताना है। 96 क्वेश्चन की तरफ, तो 96 का आंसर हो जाएगा आपके पास गुजरात, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, गुजरात, बिहार, इसमें से आपको बताना था अलाहाबाद, राइट आंसर है वो है गुजरात। हम मूव करते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ। 97 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है,
97 में आपको दिया गया लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया कितनी है, यहाँ पर यह है 7516.6। 98 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शोर टेम्पल, शोर टेम्पल कहाँ पर है, तो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, ठीक है। 99 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में आपको बतानी है हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाई मुडी, ये आपको। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस को किसने फाउंड किया था, ये आपको बताना है। तो इसका नाम है बैडल पोवेल। तो इस तरीके से वीडियो जाती है कंप्लीट। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत।